महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को विपक्षी शिवसेना को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उसके वरिष्ठ नेता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से करना देशद्रोह और राष्ट्र का अपमान है। सत्तारूढ़ शिवसेना के एक सम्मेलन के बाद शिंदे ने कहा कि सत्तारूढ़ महायुति ने महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट में से 45 पर जीतने का लक्ष्य रखा है। सत्तारूढ़ गठबंधन में एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दिन भर चले सम्मेलन में सत्तारूढ़ पार्टी के निर्वाचन क्षेत्र के पर्यवेक्षकों, पदाधिकारियों, विधायकों, सांसदों ने भाग लिया और आगामी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। शिंदे ने कहा कि टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। औरंगजेब ने महाराष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना मुगल बादशाह से करना देश का अपमान है और यह देश द्रोह है। शिवसेना नेता संजय राउत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना मध्यकालीन मुगल सम्राट औरंगजेब से की। राउत की टिप्पणी पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। विदर्भ क्षेत्र के बुलढाड़ा में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए राउत ने कहा कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। औरंगजेब का जन्म वर्तमान गुजरात में हुआ था, जो मोदी का गृह राज्य है।